आईटीओ ब्रिज, ये देखिए ये गाड़ी से आया, ये दिया, अब ये जो है फेंकने के लिए उसको पैसे मिलेंगे, और ये गाड़ी रुका, अब यहाँ से मटेरियल निकाला जाएगा और फिर इन लड़कों को देंगे कि अब उन्हें फेंक दो। तो इस तरह जो है आपके बोर्ड लगने के बावजूद लोग जो है हजारों की संख्या में पूजा सामग्री यमुना में डाल रहे हैं। हमें लोगों से पूछा कि जो है आप देख रहे हो कि दिल्ली सरकार ने ये बोर्ड लगाया हुआ है और जज साहब ने फैसला दिया हुआ है कि पूजा सामग्री यमुना में न डाला जाए, तो उन्होंने कहा कि पहले कैमरा बंद कीजिए फिर आप से हम बात करेंगे। हमने जब कैमरा बंद किया फिर उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे। तो अब उनका बात 100% सही है कि जो है आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है ऊपर और नीचे पब्लिक डाल रही है। यह है हमारा व्यवस्था, यह है हमारा कानून, तो तमाम हर चीज है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसका विकल्प चाहिए लोगों को कि अगर हम यमुना में नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे। देखिए अगर उनके पास पुष्पांजलि प्रभात कलश का विकल्प होता है तो फिर वो नहीं डालते हैं। फिर वो नहीं डालते, वो फिर बोलते कि प्लास्टिक बैग ये बाहर रख रहे हैं, चुनिया बाहर रख रहे हैं। ये समझ सकते हैं, समझते हैं कि हाँ हमको नदी को हम कम गंदा करें या न करें, लेकिन जो है क्या किया जाएगा, कोई व्यवस्था न होने के कारण भाई साहब को मजबूरन जो है यमुना में डालना पड़ा। इस बोट को देखने के भी उन्होंने इच्छा प्रकट नहीं की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।